बच्चों मैं एग टोस्ट बना रही हूँ, उसके लिए लेट्स चेक आउट कि हमें कौन कौन सी वेजीज लगेंगी। ये है आधा पत्ता गोभी, ये है प्याज, ये है गाजर, ये है फ्रेंच बीन, ये है पालक और ये है शिमला मिर्च। तो हम इसकी दो टाइप्स की कटिंग करेंगे, एक इसकी बारीक चॉप करेंगे और एक इसके हम लंबे लंबे टाइप करेंगे, क्योंकि आपको थंबनेल से पता लग ही गया होगा कि आज मैं टू टाइप्स ऑफ एग टोस्ट आप लोगों को बना के बताऊंगी। तो कटिंग भी दो टाइप की होगी, एक होगी छोटी चॉप करनी है और एक हमको लंबा लंबा चॉप करना है। तो सबसे पहले हम इन सभी को चॉप कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। मैंने ये ऐसे लंबी लंबी स्ट्रिप्स काट ली है, मैंने आपको बताया था। ये है पत्ता गोभी की लंबी स्ट्रिप्स, ये है पालक, ये है शिमला मिर्च, ये है गाजर, ये है फ्रेंच बीन और ये है प्याज, और ये एक मैंने बारीक काट लिया है। इसके अलावा ये है सॉल्ट, ब्लैक पेपर, ये मैंने फ्रेशली अभी कूटा है, घी, ये है धनिया पत्ता की चटनी, ये है चीज़, ब्रेड और ये अंडा। तो अगेन ये मेरी एक हेल्दी रेसिपी है, जो अंडा खाते हैं उनके लिए, और अंडा की जगह आप रिप्लेस कर सकते हैं मूंग के चिली के साथ और उत्पम के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये अंडा इसमें फोड़ लेते हैं। बहुत सारे स्टाइल हैं लेकिन ये एक नॉर्मल स्टाइल है जो सबको आता है। अब हम इसमें सॉल्ट डालेंगे और ये ब्लैक पेपर डालेंगे और इसको हम इससे अच्छे से फेंट लेंगे। जितना अच्छा फेंटेंगे उतना अच्छा हमारा ऑमलेट फ्लफी बन के तैयार। तो ये देखिए अच्छे से ये मैंने इसको फेंट दिया है। तो चलिए अब बनाते हैं। उससे पहले हम क्या करें, ब्रेड लेंगे और ब्रेड को हम ये बीच में से काटेंगे। तो हमने ये टू पीसेस इसके कर लिए हैं और अब चलते हैं ऑमलेट बनाने। थ्री। तो ये हमने नॉन स्टिक का पैन चढ़ा दिया है, इसमें हमने थोड़ा सा ये घी ले लीजिए या आप बटर भी ले सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। इसको फटाफट से फैला के और हमने जो ये फेंट के रखा हुआ है उसको डाल। उसके बाद ये देखिए ये जितना फैल सकता है उसको फैला दीजिए और ये जो हमने ब्रेड लिया था उसको एक तरफ से ऐसे डिप करके और फिर हम इसको ऐसे डिप कर देंगे। दूसरे वाले को भी हम इसी तरीके से करेंगे, हल्का से ऐसे करके इस तरीके से। इसको हम थोड़ी देर छोड़ देंगे सेट होने के लिए, उसके बाद हम इसको फ्लिप करेंगे। तो चलिए अब हम इसको आराम से फ्लिप कर लेते हैं, ये देखिए, और धीरे धीरे हम इसको इस तरीके से फोल्ड करें। बहुत ही अच्छा बनके ये तैयार होता है। बात वही है ब्रेड ऑमलेट, लेकिन थोड़ी सी इसकी फोल्डिंग अलग हो जाती है और हल्का सा बनाने का तरीका भी इसका अलग। तो हम हल्का सा ये घी को निचली सतह के लिए स्प्रेड कर देंगे ताकि ये अच्छे से नीचे से लाल होके निकले। उसके बाद ये जो हमारी इंडियन सॉस है, माने कि धनिया पत्ता की चटनी, उसको हम हल्का सा इस पे इस तरीके से लगा देंगे। और जो हमने ये वेजीज काट के रखी थी उसको हम एक बार इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखिए कितना कलरफुल लग रहा है ये। इसको हम इस पे स्प्रेड कर देंगे। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया फुल ऑफ न्यूट्रिशन का, ब्रेड, ऑमलेट, वेजीज, धनिया पत्ता की चटनी और उसके बाद
बच्चों को खिलाना है तो हमें उनकी फेवरेट चीज़ भी इसमें डालनी होगी। बड़े भी खा सकते हैं, थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हैं तो वो हाफ इसमें डाल देंगे। ये देखिए, है ना एकदम नई चीज़, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब हम इसको आराम से फोल्ड कर देंगे। ये देखिए हमारा बिल्कुल नए स्टाइल से एग टोस्ट। ये मेरा पहला तरीका है। देखते हैं हम इसकी दूसरी साइड हुई कि नहीं हुई। ये देखिए कितनी खूबसूरत ये लग रही है। रेडी है ये मेरा पहला एग टोस्ट। अब हम दूसरा एग टोस्ट बनाने की तैयारी करें। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमने दो ब्रेड लिए हैं उसको इसमें हम ग्रिल होने के लिए छोड़ देंगे। हल्का सा इसमें घी को गरम करेंगे और इसको हम ग्रिल होने के लिए छोड़ देंगे। तो मैंने फिर से हल्का सा घी दे दिया है और इसमें मैंने ये जो एक अंडा फेंट के रखा हुआ है वो डाल दिया। अब इस पे हमने जो ये पतली पतली वेजीज काट के रखी हुई है वो डाल देंगे। बहुत ही टेस्टी लगती है ये, कलरफुल है। ये है कैप्सिकम, ये है फ्रेंच बीन, इसको आप ऐसे भी खा सकते हैं। ये देखिए मैंने पालक के पतले पतले, और ये लास्ट में, और इस पे भी हम थोड़ा सा ये सॉल्ट डाल देंगे, थोड़ा सा हम ये ब्लैक पेपर डाल देंगे, और वो ये चीज़ हमने आधी बचा के रखी थी इसको हम थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा टुकड़ा इसमें, क्योंकि थोड़ा हेल्थ का भी ध्यान रखना है, टेस्ट भी लेना है, तो इतना मैं बचा लूँगी। और इसको हम थोड़ी देर सेट होने के लिए छोड़। चलिए अब हम इसको पलट लेते हैं। इसको हम फिर से 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं नीचे वाला भी पलट के। ये देखिए हमारा ब्रेड तो उतना बड़ा नहीं है, लेकिन ये उससे ज़्यादा बड़ा बन गया है, तो कोई बात नहीं है, हम इसको हाफ फोल्ड कर देते हैं इस तरीके से। और हम अपना ब्रेड भी देख लेते हैं कि वो क्रिस्पी हुआ है कि नहीं। तो देखिए ये अच्छे से क्रिस्प हो गया है। अब मैं इसको स्विच ऑफ कर देती हूँ और इसको लेके चलते हैं, इसका हम असेंबल करेंगे। इसको मैंने अलग कर दिया है, उसके बाद हम इस पे ये ग्रीन चटनी लगाएंगे धनिया पत्ता की दोनों तरफ, और चाहे तो आप लोग इसमें इस तरफ टोमेटो सॉस भी लगा सकते हैं। और अब हम ये जो हमने बनाया है ऑमलेट, वेजी ऑमलेट, इसको हम इस पे सेट कर देंगे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। जो डाइट पे हैं वो भी ऐसे सिर्फ वेजीज को सॉटे करके खा सकते हैं। ये देखिए अब हम इसके ऊपर ये रख देंगे। ये हमारा हो गया सेकेंड एग टोस्ट। प्लीज़ आप लोग अपने किचन में बनाइए, खाइए और खिलाइए। बहुत ही हेल्दी है,
बहुत ही लेस ऑयल में, बहुत ही लेस घी में, आप बटर में भी इसको बना सकते हैं। तो ये मेरी दूसरी एग टोस्ट बनके तैयार। तो ये मेरी बनके तैयार हो गई है एग टोस्ट दो तरीके की। आप लोग भी प्लीज़ अपने घर में बनाइए, खाइए, खिलाइए। और कैसा लगा मुझे ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख के शेयर कीजिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर से मेरे चैनल को इस तरीके के नए नए टाइप्स ऑफ टोस्ट देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।